राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सामाजिक कार्य करने वाले राजपूत एकता मिशन के एसके सिंह जी हमारे साथ हैं। एसके सिंह जी, अभी आपका जो संगठन है वो किस क्षेत्र में काम कर रहा है? राजपूत एकता मिशन का गठन कुछ खास मुद्दों को लेकर किया गया था, कुछ हमारे मिशंस थे जिसके वजह से ही हमने इसका नाम रखा राजपूत एकता मिशन। अखिल भारतीय राजपूत एकता मिशन दिल्ली से रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है और कई सोशल एक्टिविटीज़ में हम लोग इन्वॉल्व हैं। बेसिक जो मिशन थे वो दो थे। हम चाह रहे थे कि हमारे भारतवर्ष में जितने भी राजपूतों के वंश और गोत्र हैं उसको, और उनकी जो राजपूतों की उपस्थिति विभिन्न राज्यों में अलग अलग है उनके बारे में हम एक रिसर्च पर काम करें, उनका एक डाटा बेस तैयार करें। और हमारा ये पर्पज़ था सर्वे ऑफ राजपूत कम्युनिटी वेस्ट और वंश और गोत्र ऑल ओवर इंडिया। हम चाहते थे कि पूरे भारत में जितने भी राज्य हैं उन राज्यों के अंदर जितने ज़िले हैं और ज़िलों के अंदर जितने ग्राम हैं, गांव बेसिस पे हमें एक डाटा तैयार हो ताकि नया जनरेशन को जो है ऑनलाइन ये सारी चीज़ें ज्ञान हासिल करने के लिए मिल सके। नया जनरेशन इंटरनेट से भी है, उनको ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन चाहिए। दूसरा हमारा मिशन था रिसर्च ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन ऑफ आवर कम्युनिटी। हमारी जो आर्थिक स्थिति हुआ करती थी आज से 25-50 वर्ष पहले, बहुत ही संपन्न हमारी जो कौम थी हुआ करती थी। राजपूत जाति एक संपन्न, उनमें बहुत अच्छे जमीन जायदाद थे, आर्थिक रूप से हर तरह से हम संपन्न थे। लेकिन आरक्षण की नीति कह लें या सरकार की कुछ गलत नीतियों की वजह से हमें सरकार की तरफ से कोई फैसिलिटी नहीं मिली और दूसरे जातियों को इतनी सारी फैसिलिटी मिली कि वो हर मामले में, पढ़ाई लिखाई के मामले में या आर्थिक रूप से, वो संपन्न होते गए और हम पिछड़ते गए। तो हमारा ये दूसरा पर्पज था रिसर्च ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन ऑफ आवर कम्युनिटी। हम जानना चाह रहे थे कि अलग अलग जगहों पे जो आर्थिक स्थिति हमारी ख़राब हुई है उसके पीछे कारण क्या है और तभी हम समाधान के लिए बात कर सकते हैं या उसके लिए सॉल्यूशन दे सकते हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था, बहुत बड़ा काम था और पूरे भारतवर्ष में ये ऑनलाइन सर्वे करके देना एक बहुत एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट था। इसको हमने दूसरे तरीके से शुरुआत की। हमने ये एक नेटवर्क बनाया पूरे भारतवर्ष में राजपूतों को कनेक्ट करने का। ये मिशन है यूनाइट राजपूत से मिशन। पूरे भारतवर्ष में जितने भी वैसे राजपूत हैं, प्रमिनेंट पर्सनैलिटी, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हों, टेक्नोक्रेट हों, इंडस्ट्रियलिस्ट हों, कॉर्पोरेट सेक्टर से लोग हों, जो उच्च पदों पर आसीन लोग हैं, जो समाज से कट चुके थे, उनको हमने समाज में जोड़ने का काम किया। व्हाट्सअप एक ऐसा टूल है जो फ्री में लोगों तक पहुँचा जा सकता है, ईमेल ऐसा टूल है। हमने सबको ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से, चाहे वो मैट्रिमोनियल सपोर्ट हो, जॉब सपोर्ट हो, एजुकेशन सपोर्ट हो, कई सारे मुद्दे पे जो हम काम कर रहे हैं उनको लोगों तक पहुंचाने का काम किया। और आज की डेट में लाखों की संख्या में पूरे भारतवर्ष में हमारे साथ लोग जुड़ चुके हैं और राजपूत एकता मिशन पूरे विश्व में एक ब्रांड बन चुका है। आज राजपूत एकता मिशन और इसकी एक्टिविटीज़ को लोग समझ गए हैं, जान गए हैं, इनकी तारीफ़ कर रहे हैं और कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हैं कि जो हम कर रहे हैं, जो हमारी राजपूत एकता मिशन संस्था जो काम कर रही है समाज के कल्याण के लिए, वही काम होना चाहिए और सही काम हो रहा है। बहुत सारे लोगों का हमें सपोर्ट मिल रहा है, मोरल सपोर्ट भी मिल रहा है, आर्थिक सपोर्ट भी मिल रहा है और हम आने वाले समय में जो हमारा ये मिशन है जल्द से जल्द हम पूरा करने के लिए तैयार हैं। और हम जो सर्वे का काम है, जो सर से रिसर्च का काम है, वो जल्दी हम शुरू करने वाले हैं। एसके सिंह जी, आप बिहार से आते हैं तो बिहार के अंदर आपके संगठन की किस तरह से धरातल पर गतिविधियां हैं? हमने सेंट्रलाइज काम किया, हमने जगह जगह लोगों का, जैसे अन्य संस्थाएं, जिलाध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, इस तरह से बनाए। हमने उसमें देखा कि समाज बट रहा है। हमने देखा, पटना में महसूस किया कि अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की 6-7 संस्थाएँ हैं के नाम पर, करनी सेना के नाम पर 2-4 संस्थाएँ हैं, सबके अलग अलग प्रदेश अध्यक्ष हैं और सब एक दूसरे से बहुत ही दूरी बना कर रखते हैं। कोई भी कार्यक्रम हो, एक संस्था का कार्यक्रम है तो दूसरी संस्था के लोग उसमें शामिल ही नहीं होते, बहुत ही गैप है। और इससे जो है ना, जो एकता बननी चाहिए ना, वो एकता बन नहीं पाती। हमने अलग से कोई प्रदेश अध्यक्ष, कोई जिला अध्यक्ष नहीं बनाया। हमने जो है एक केंद्रीय लेवल पर पूरे भारतवर्ष में सर्वे उसका एक मॉनिटरिंग करते हैं और जो एक्टिविटीज़ है हम सब संस्थाओं के साथ शेयर करते हैं। और यही वजह है कि जितनी भी राजपूतों की अलग अलग संस्थाएं हैं सबका हमें सम्मान मिलता है। तो आप मतलब सारी संस्थाओं को साथ लेकर के चलना चाहते हैं? करीब करीब ऐसी कोई संस्था नहीं है जो हमें प्यार नहीं करती, हमें चाहती नहीं है, हमें तारीफ नहीं करती और हमारे कार्यक्रम में हर संस्था के लोग शामिल होते हैं। तो हम मान के चलते हैं कि सारी संस्थाओं को समावेश कर करके हम चल रहे हैं। हमारी जो संस्था है
www.rajputekta.org। हमारी एक्टिविटीज़ को इस वेबसाइट पर जाकर के लोग देख सकते हैं, और जो अपना जो विचार है, जो अपने गाइडलाइंस हैं, जो अपने जो समाज चाहता है कि क्या कुछ और कुछ होना चाहिए, इस पर अपने विचार दे सकते हैं। तो ये थे राजपूत एकता मिशन के एस के सिंह जी, जो यहाँ दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रह करके जितने भी राजपूत संगठन हैं उनको एक सूत्र में पिरोने के लिए कार्यरत है, और अपनी यहाँ पे जो इन्होंने सामाजिक गतिविधियाँ जो कर रहे हैं उसके बारे में इन्होंने बताई ही है। तो जुड़े रहे हमारे साथ, हम फिर इसी तरह की शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे। धन्यवाद।